हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल पाठशाला आपका हमारे इस चैनल मेडिकल पाठशाला में स्वागत है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोन बोन फॉर्मेशन फॉर्मेशन ठीक है दैट मींस ह्यूमन बॉडी में का किस तरीके से होता है कैसे होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं वट इज ऑसिफिकेशन तो ऑसिफिकेशन क्या है ऑसिफिकेशन प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन का ठीक है दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन ऑसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन मतलब बोन के फॉर्मेशन में जो कुछ भी प्रोसेस होते हैं उसे ऑसिफिकेशन कहते हैं ठीक है अब ऑसिफिकेशन का बोन के फॉर्मेशन का दो टाइप्स है फर्स्ट वन इज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन सेकंड वन इज एंडो ऑसिफिकेशन ठीक है अब हम लोग बोन फॉर्मेशन के फर्स्ट टाइप को देखते हैं दैट इज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन व्हाट इज इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ बोन फ्रॉम मेजनकाइम दैट मीन इंटरमेम क्या होता है बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो मेजनकाइम से होता है इसमें बनकर तैयार हो जाता है फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ द ऑसिफिकेशन सेंटर सेकेंड वन इज कैलिफिकेशन थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेविकुलर फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ पेरियोस्टियम इन चारों स्टेप को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं. तो क्या होता है? जो हमारा मेजन होता है उसे एक केमिकल मैसेज प्रोवाइड होता है मतलब इसे एक केमिकल मैसेज मिलता है जिससे कि ये जो मेजन कायम है वो एक क्लस्टर में क्लस्टर में आ जाता है और वो डिफ्रेंसियट होकर ऑस्टियोजेनिक सेल बना देता है ठीक है फिर से एक बार देख लेते हैं मेजन को एक केमिकल मैसेज मिलता है ठीक है जिससे कि वो एक जगह क्लस्टर होकर के डिफ्रेंसिएट करता है और वो ऑस्टियोजेनिक सेल बना देता है ठीक है अब ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है ये फर्दर डिफ्रेंसिएट करता है और वो ऑस्ट्रियो बना देता है ठीक है और इस क्लस्टर को हम लोग ऑसिफिकेशन सेंटर बोलते हैं इसलिए इस स्टेप का नाम भी है डेवलपमेंट ऑफ द ऑसिफिकेशन सेंटर तो इस क्लस्टर को ये के क्लस्टर को हम ऑसिफिकेशन सेंटर बोल रहे थे जिससे कि हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल बन रहा था ठीक है उसके बाद ऑस्टियोजेनिक सेल डिशियट होकर ऑस्टियो बना दे रहा था अब ये जो ऑस्टियो सेल है ब्लास्ट मीन्स प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स तो ये जो सेल है हमारा ये अपने सराउंडिंग में अपने चारों तरफ अपने एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा ठीक है मतलब फ्लूड प्रोड्यूस करेगा ठीक है अब एक टाइम ऐसा आएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक्स्ट्रास मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते करते प्रोड्यूस करते करते ये मैट्रिक्स प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देगा क्योंकि ये जो हमारा अंदर में सेल है ये जो हमारा सेल है ये हमारा एक्स्ट्रासोलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा था ये प्रोड्यूस करते करते स्टॉप क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां तक न्यूट्रिएंट आर्टरी मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा था जो भी जो भी न्यूट्रिशन इस सेल को मिल रही थी तो ये मिलना बंद हो जाएगा जिसके वजह से ये सेल डेड हो जाएगा और अपने ही एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स में सराउंड हो जाएगा फंस जाएगा ट्रैप हो जाएगा ठीक है अब इसे क्या कहेंगे ऑस्टियोसाइट साइट ठीक है तो ऑस्टियोब्लास्ट से हमारा ऑस्टियोसाइट बन गया ठीक है अब ये सेकेंड स्टेप में आते हैं हम लोग ये जो काम हुआ जहां ऑस्ट्रोसाइट जो है वो सेकेंड स्टेप में ही बना इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया अब हम आते हैं अच्छे से देख लेते हैं कैल्सिफिकेशन कैल्सिफिकेशन में क्या होता है ये जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स था ऑस्ट्रियोसाइट का जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स था उसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्सियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट ठीक है इस एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में कैल्सियम और कुछ अदर मिनरल्स मिनरल साल्ट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन कहते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा ठीक है थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेबिकुले दैट मीनस इस स्टेप में ट्रेबिकुले का फॉर्मेशन होगा ठीक है तो हमारा जो बोन का एक्स्ट्रास मैट्रिक्स होता है उससे

कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और यही जा करके बना करना कर देता है अभी तक तो जो हमारा बोन था वो स्पॉन्जी बोन का बना हुआ था ठीक है अब ये आउटर सरफेस में सरफेस लेयर में या फिर आउटर सरफेस में अस्पॉन्जी बोन को कॉम्पैक्ट बोन रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा आउटर साइड से कॉम्पैक्ट बोन को कंपैक्ट बोन रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया स्पॉनजी बोन को अब क्या होगा बीच में स्पॉनजी बोन और आउटर सरफेस पे कॉम्पैक्ट बोन तो इस तरीके से बोन का फॉर्मेशन हो गया वाइ द प्रोसेस ऑफ इंट्रा मेमब्रेनस ऑसिफिकेशन ठीक है